हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज मैं थोड़ा मतलब दिन में वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ ये वीडियो किस लिए है। थंबनेल आप लोगों ने देखा ना, विहान की थंबनेल है। तो ये वीडियो आज विहान के लिए है, निधि के लिए भी नहीं, विहान के लिए है ये वीडियो। देखिए बात ये है कि निधि का चैनल है, वो अपने वीडियो में गलतियाँ करती हैं, क्लिकबेट भी डालती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। तो हम लोग उसके वीडियो से रिलेटेड या थंबनेल से रिलेटेड जो बातें होती हैं उस पर रिएक्शन देते हैं। कोई पर्सनल दुश्मनी तो उससे है नहीं, ना उससे ना उसकी फैमिली से, और वैसे भी उसके मम्मी पापा इन सब लोगों को तो आज तक कभी मैंने घसीटा ही नहीं। और उसे भी बोला तो मैंने उसे वीडियो से रिलेटेड बोला जो उसने सोशल मीडिया पर गलतियाँ की है, लेकिन आज तक कभी भी बच्चे को नहीं बोला। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कमेंट, मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी। एक्चुअली मुझे स्क्रीन पर लगाना नहीं आता है, तो थोड़ी एडिटिंग वीक है मेरी, तो मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी बहुतों की कम्युनिटी पे है। मैंने ये वीडियो जब आंटी जी का आया था ना, तो एक मतलब आंटी जी के वीडियो पर ये कमेंट था, एक घंटे करीब हुआ होगा इस कमेंट को आए हुए, तभी मैंने ये कमेंट देख लिया था और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं इस पर कल वीडियो बनाऊंगी कल, क्योंकि शाम को मतलब हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है तो मैं बिज़ी रहती हूँ डिनर वगैरह बनाने और काम में, तो फिर मुझसे शाम को नहीं हो पाया। उसके बाद फिर बहुत लोगों की कम्युनिटी पे मैंने देखी, और फिर किसी एक और फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट भी करा कि मीनू सिस प्लीज़ निधि के लिए वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला भी कि उसे बोलो रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बनाएंगे वीडियो, उसके लिए नहीं बच्चे के लिए बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे। और बच्चे को ऐसा बोलना गलत है, सीधी और सिंपल सी बात है। गलत मतलब क्या, मतलब जो ये जो आईडी है मानसी, पता नहीं क्या पूरा नाम है, मुझे तो उतना याद भी नहीं आ रहा है, ये जो भी है लग तो रहा मेल है, क्योंकि देखिए कैसे नीचे भी इन्होंने आर्ग्यू की हुई है, ठीक है, इन्होंने नहीं उस कमीने ने या जो भी है उसने आर्ग्यू की हुई है। एक बच्चे को उसकी माँ के सामने बोलना कितना गंदा होता है, कितना गंदा होता है, और कैसी फीलिंग आती है ना, ये मतलब बोला नहीं जा सकता है। बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, एक माँ क्या फील करती है ना अपने बच्चे के लिए ऐसी बातें सुनकर, ये मैं अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे बेटे के लिए भी बोला गया था ना, मेरे बेटे मेरे हस्बैंड के लिए बोला गया था, बहुत गंदा बोला गया था, बहुत ज़्यादा गंदा बोला गया था। अभी भी मैं मतलब जब वो याद आता है ना, जिस तरह से वो टोन था, तो अभी भी मेरी आँखों में आंसू आ ही जाते हैं, एक टीस उठी जाती है। तो इस चीज़ को तो मैं साइड करूँगी, लेकिन बच्चे के लिए बोलना बहुत बड़ा पाप है, एक्चुअली पाप है, सिर्फ गलत ही नहीं है, पाप है, ठीक है। अरे तुम्हारी अगर तुम इस निधि को नहीं पसंद करते हो तो जाके उसे दो बात बोल लो कि तुमने ये किया ये गलत है, वो किया वो गलत है। इसने बहुत सारा कमेंट वहाँ लिखा है कि हीरोइन नहीं बन सकती है, ऐसी है वैसी है, उसमें बॉडी शेमिंग भी उसकी करी हुई है, ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं। अब हीरोइन की बात इसने उठाई तो हमने भी मजाक बनाया कि हाँ हाँ हीरोइन नहीं बन सकती है, ऐसा वैसा हमने भी बोला, तो वो एक मजाक में ख़त्म हो गया, वो एक बात ख़त्म हो गई। पर बच्चे को बोलना ये बहुत बड़ा अपराध है, एक तो कानूनन भी अपराध है बच्चे के लिए, और ये मतलब पाप भी है, अगर देखा जाए ना तो पाप की श्रेणी में भी आता है ये सारी चीज़ें। तुमने अपना नाम बदल कर, आईडी में अपनी फ़ोटो नहीं लगाकर, अपना चेहरा लोगों से तो छुपा लिया, जिस बच्चे को बोला उसकी माँ से तुमने छुपा लिया, पर उसके दिल में जो दर्द उठा होगा ना, वो हाय तो तुम्हें लगेगी ही लगेगी, लेकिन ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना, उससे तुम कहाँ छुप पाओगे ये बताओ। इंसान जो भी होता है ना, सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है। तुम जो भी हो, मानसी तुम्हारी जो भी नाम से तुमने बनाया है, तुम जो भी हो, ये ऊपर वाले से आदमी अपना कर्म नहीं छुपा सकता है, कभी भी नहीं छुपा सकता है। मैंने भी जब पढ़ा ना, मुझे लिटरली बहुत आश्चर्य हुआ कि ये है कौन जो इतना गंदा लिख रहा है, ये है कौन जो इतना गंदा लिख रहा है। मेरे बेटे के लिए भी जिसने बोला था ना, मेरे बेटे के लिए भी किसी ने बोला था, फिर उसके बहन के बच्चे के लिए भी उसकी कम्युनिटी पे किसी ने गलत लिखा था, तो हमारे ही फ्रेंड्स थे, हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स थे, सब ने जाकर बोला था कि बच्चे के लिए मत बोलो, बच्चे का, हालांकि हमारे सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स उसे नहीं पसंद करते थे, लेकिन फिर भी बोला कि बच्चे के लिए मत बोलो, बच्चे के लिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बच्चे के लिए क्या फैमिली पे भी नहीं जाना चाहिए किसी को भी। उस समय भी दीवा मैम ने बोला था कि आइए, और लाइव आई थी तो अपने सारे सब्सक्राइबर को उन्होंने बोला था कि आइए आप लोग आइए, क्योंकि आप मुझे आप लोगों पर मेरे सब्सक्राइबर्स पर बहुत गर्व है कि आप लोगों ने एक बच्चे के लिए स्टैंड लिया। तो आज भी मैं एक बच्चे के लिए स्टैंड ले रही हूँ, ये बोलना सरासर गलत है, बहुत गलत है, ऐसी घटिया हरकत करी है। इस आईडी को रिपोर्ट को रिपोर्ट करने से तो बंद हो ही जाएगी, या हो सकता है कि रात से जिस तरह से कम्युनिटी छप रही है इस आईडी की, तो ये आईडी ऑलरेडी उसने क्लोज कर ली होगी। महा ही घटिया इंसान हो तुम,
जिसने भी तुमने ये तुम्हें ये किया है, याद रखना भविष्य में तुम्हारा भी बच्चा हो सकता है। अगर तुम्हारे बच्चे के लिए कोई इस तरह की बात बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, मेरी ये बात याद रखना। और देखो कर्मा लौट के आता ही है, जरूर आता है। इंसान जो कर्म करता है ना वो लौट के आता ही है, बिल्कुल आता है। मेरे बच्चे को भी बोलने वाले के लिए किसी ने जाके उसकी बहन के बच्चे के लिए कम्युनिटी पे बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी, बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी, लौट कर आता है। मैंने तो नहीं बोला था, मैं तो रोकर चुप हो गई थी, लेकिन जाकर किसी ने बहुत ही घटिया बातें बोली थी। तो तुम्हारे पास भी ऐसा दिन आएगा। चलो एक माँ होने के नाते आज मैं आशीर्वाद देती हूँ, एक औरत होने के नाते, कि जिसका बच्चा है मतलब विहान जो है वो सुखी रहे, खुश रहे, अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छा इंसान बने और उसकी आयु भी लंबी हो, ठीक है। जब इस एक बार मैं इस निधि पर रिएक्शन देने वाली थी, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी बट मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। वो रिएक्शन क्या था बताऊँ, इसने अपने वीडियो में, अगर मेरा ये वीडियो वो देखेगी तो वो खुद ही रियलाइज़ करेगी कि इसने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैं तो मंदिर जाती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कहीं मेरे पति की बीमारी मेरे बेटे को ना लग जाए। तो मैं इस चीज़ पर स्ट्रांग रिएक्शन देने वाली थी कि तुम कैसी माँ हो कि तुम इस तरह की बात बोल रही हो कि मेरे बच्चे के लिए, भगवान तो कभी सपने में, एक माँ तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचेगी। मैं देने वाली थी रिएक्शन उस टाइम पर, तो तबीयत बिगड़ गई थी तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन कभी भी एक माँ को भी इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, तुम भी ये सुन लो आज, कभी भी ऐसा ना सोचना। और जो भी आप सबको भी ये आईडी जहाँ दिखेगी सब लोग चाइल्ड अब्यूज़ में रिपोर्ट करिएगा, जरूर से ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा, भर भर के गालियाँ दीजिए इस आईडी को, जहाँ दिख जाए अच्छे से मुंह छूट गाली दे दीजिएगा, एकदम आराम से दीजिएगा गाली, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो छुप कर बैठते हैं ना उनकी कोई औकात नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे को बोलना बहुत ही घटिया और नीच टाइप की हरकत तुमने करी है, तुम जो भी हो, घटिया एकदम घटिया। मेरी वीडियो जा रही है, वरना अगर सामने से होती तो शायद तुम्हें गाली भी पड़ जाती, मैं तो गाली दे ही देती हूँ, आजकल तो मुझे गाली देने के लिए मेरा मुँह खुलवा ही दिया गया है। तो तुम घटिया हो, सुन लो, थर्ड क्लास की घटिया मेंटालिटी, घटिया परवरिश और गंदी परवरिश हो तुम, या गंदी पैदाइश भी हो तुम, जो तुमने इस तरह की घटिया बातें लिखी है। किसी के भी बच्चे के लिए लिखना बहुत बहुत गंदी बात है, किसी के लिए, किसी के बच्चे को बोलना, किसी के पति को बोलना, किसी की फैमिली को बोलना, किसी के भी फैमिली पे बोलना, किसी के बच्चे पे बोलना, ये बहुत बहुत गलत बात होती है। मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी और मैं सबसे बोलूँगी कि बच्चे को बोलने वाली बात पे कभी भी सपोर्ट ना करे, कभी भी कोई भी ना करे, और जहाँ देखे वहीं पर उसे बोलना शुरू कर दे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट देखा होगा, मेरी भी गलती हुई कि मैंने कमेंट देखा था, मुझे वहीं पर उसी कमेंट पर मुझे वहीं रिप्लाई करना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर मैं इन मतलब इसके निधि के और आंटी जी के चैनल पर कभी कमेंट करती नहीं हूँ, इसलिए मैंने कमेंट नहीं करा। बात यह है, मुझे लगा था कि मैं वीडियो बनाकर ही बोल दूंगी, लेकिन कमेंट करके वहीं पे धो दिया करिए, जहां मौका मिले वहीं धो। अब तो वो आईडी शायद गायब हो गई होगी तो मौका ना मिलेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चा है, बच्चे को आशीर्वाद देना अच्छा लगता है, तो बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा, कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, मेरे बच्चे को भी भर भर के आशीर्वाद दीजिए, उसके एग्ज़ाम्स भी हैं तो मेरे बच्चे को भी भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा सक्सेस हो। और सभी के बच्चे को आशीर्वाद मिलना चाहिए, बच्चे हमेशा फले फूले खुश रहे, यही अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।